नमस्कार सभी भारतीयों को नमस्कार। आज विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आज नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब हमारे साथ में हैं और छोटी छोटी सूक्ष्म कला के माध्यम से बहुत कुछ देश और दुनिया को बताना चाहते हैं। आइए परिचय होते हैं चंद्र प्रकाश जी ने और चंद्र प्रकाश जी क्या बनाया है। सबसे पहले जी, सबसे पहले तो संग्रहालय दिवस पर शुभकामना, बहुत बधाई सभी जनों को, उदयपुर वासियों को और पर्यटकों को भी, जो भी आ रहे देखने के लिए उनको शुभकामना प्रेषित करता हूं मैं। और आज विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क प्रवेश भी दिया जा रहा है। यहां पे सभी बच्चे, पेरेंट्स वगैरह, अपने अभिभावक वगैरह आ रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी जो पहले किताबों के अंदर पढ़ते थे वो आज साक्षात्कार देख रहे हैं, उन चीज़ों को अच्छा लग रहा है। और मैंने भी इस अवसर पर एक छोटी सी बुक बनाई है विश्व संग्रहालय दिवस पर, पूरा इसका इतिहास संजोया है इसमें ताकि जानकारी मिल सके, आप देख सकते हैं जी। बताएं थोड़ा इस किताब में बताएं क्या क्या आपने बताया और क्या क्या दिखाना चाहते हैं। किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसकी पूरी इतिहास कब से चालू हुआ है। 1983 में इसकी मनाने का आदेश दिया था गवर्नमेंट ने, तो 1983 से चालू किया गया। इसका पूरा इतिहास बताया गया और कहाँ कहाँ इसमें स्थापित है संग्रहालय का विवरण भी दिया गया और संग्रहालय का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे सफरनामे उतरा गया, इतिहास बताया गया छोटी सी किताब में, धरोहर के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। 40 पृष्ठ में किताब है, छोटी सी पुस्तिका बनाई गई है इसको आम जन के लिए। तो ये है चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब, जिन्होंने सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से विश्व की सबसे छोटी बुक के अंदर इस प्रकार से पूरा इन्होंने बताने की कोशिश की है कहाँ कहाँ संग्रहालय हैं, कैसे हैं, क्या कब उनका निर्माण हुआ, कब उनको मनाया जाता है। चंद्र प्रकाश जी ये बताइए कि ये संग्रहालय दिवस जो मनाया जा रहा है आज, इस संग्रहालय में बड़ी संख्या में देखिए यहाँ के नगरवासी, विद्यार्थी सभी आ रहे हैं देखने के लिए, और आखिर देखने का उद्देश्य क्या है? संग्रहालय दिवस पे आर्ट सभ्यता संग्रहालय में आ रहे हैं, आज संग्रहालय में देखने के लिए आ रहे हैं सभी चीज़ें। उनका उद्देश्य ये है कि पुरानी संस्कृति इसमें जीवित रहे और पुराने जो पात्र कैसे होते थे घरों के अंदर वो उनको दर्शाया गया है, मूर्ति के बारे में बताया गया है और अस्त्र शस्त्र के अंदर भी बताया गया है इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनको कवच पहनने जाते थे ताकि लड़ाई के अंदर जो सेना काम करती थी उनके तलवार के बारे में, चाकू के बारे में, गुप्ते के बारे में और मटके के बारे में बताया गया है। पुराने कितनी कैसे सुराही होती थी पानी पीने की, इसमें सारा संग्रह कर रखा है, इतिहास बताया जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आने वाले पीढ़ी है देखी नई जमाने की, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कूल में विद्यार्थी भी आए, पर्यटक भी आए, पेरेंट्स भी आए, काफ़ी अच्छा लगा है इनको देख के और आगे भी इस चीज़ को जीवित रखेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। इस मौके पर शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सभी को विश्व संग्रहालय दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप अपनी सभ्यताओं को जीवित रखेंगे, आप कला साहित्य संस्कृति को जीवित कर रखने में योगदान देंगे, आप सभी अपनी इस धरोहर को संभाल के रखेंगे। यह आपकी अपनी धरोहर है जो हजारों सालों से आपकी शोभा बढ़ा रही है, आपका प्रतिनिधित्व कर रही है। इनको बचाने का काम करेंगे, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और विभाग का सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, ऐसी आशा है। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब हमारे से रूबरू हुए, हमारे से बात की और ये विश्व की सबसे छोटी पुस्तक बनाकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पता रहे इस कार्यालय में संग्रहालय में बहुत साधुवाद आपको बहुत बधाई आप इसको आगे प्रचार प्रसार करें, फिर वीडियो बनाए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जनता को काफ़ी लाभ होगा और रूबरू होगी जो जनता यहाँ तक नहीं आ पाई वो भी आप इस वीडियो के माध्यम चैनल के माध्यम से देख सकेगी। शुभकामना पूरे नगरवासियों को, उदयपुर जिले के सभी को शुभकामना बधाई।